क्या फ्रेंड्स, आप भी हल्दीराम के छोले भटूरों को मिस कर रहे हैं? मैं तो बहुत ही मिस कर रही हूँ। मेरा तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन हम इस लॉकडाउन में बिल्कुल नहीं बाहर का खा सकते हैं, तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम हल्दीराम वाले छोले भटूरे घर पे बनाएं। बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स का बन जाते हैं। उस छोले भटूरों के साथ में मैं सर्व होने वाले आलू और प्याज की चटनी, जो खट्टी मीठी चटनी होती है वो, और मिर्च का अचार, सभी चीजें आप बनाऊंगी। आप मेरी वीडियो को एंड तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम छोले बना लेंगे। छोलों के लिए मैंने रात भर छोलों को भिगो के रख दिया था। ये 3 कटोरी जितने छोले हैं जिसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। और ये थोड़े मोटे साइज वाले होते हैं ना, जो हम वहाँ पे हल्दीराम में यूज होते हैं, वही वाले मैंने लिए हैं, मोटे वाले जो हलवाई लोग भी यूज करते हैं। और इसको पूरी रात भर मैंने रखने के बाद सुबह इसको धो लिया है, क्योंकि गर्मियां हैं तो मुझे वही पानी में यूज नहीं करूंगी। धो लिया है मैंने इसको और इसको रख देंगे साइड में। अब मैंने लिया है 1 चम्मच जितनी चाय पत्ती, आप टी बैग भी ले सकते हैं। और इस मेरे को कुछ चाहिए खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 से 2 आंवला, साबुत आंवला है सूखा हुआ, और 2 मोटी इलायची, 6 से 7 छोटी इलायची, 6 से 7 मेरी लौंग है। इन सबको हल्का सा हम इसमें कूट लेंगे, इसमें अच्छे से पीस लेंगे जिससे इसके फ्लेवर आ जाए। मैंने इसको कूट लिया है। इसमें जो मेरा आंवले का जो बीज था उसको मैंने अलग कर दिया, अच्छे से कूट गया है। अब इसकी एक हम पोटली बना लेंगे। इसमें डालूंगे अपने सारे खड़े मसाले, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चाय पत्ती, अब इसकी एक पोटली बना लेंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी पोटली बन चुकी है। अब हम छोलों को उबाल लेते हैं। उसके लिए ले लेंगे एक प्रेशर कुकर। इसमें डाल दूंगी मैं अपने छोले। अब इसमें डाल दूंगी पानी। पानी ज्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि ये ज्यादा हमारे को ग्रेवी वाले नहीं चाहिए। इतना ही डालूंगी बस, ये कि भीग जाए इसके ऊपर जरा सा ऊपर तक ही। इसमें डाल दूंगी नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अभी मैं इसमें 1.5 टीस्पून जितना डाल रही हूँ। और डाल देंगे अपनी पोटली जो हमने बनाई थी सेंटर में। थोड़ा सा डाल दूंगी मैं बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून जितना, और इसको सबको अच्छे से मिला लूंगी। अब इसको लिड लगा देंगे। फुल फ्लेम पे पहले 1 विसल दूंगी, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको 6 से 7 विसल आने दूंगी। मैंने इसको फुल फ्लेम पे अभी रख दिया है। एक विसल आने के बाद में इसको मीडियम फ्लेम करके मैं 6 से 7 इसकी विसल दिलवा लूंगी। तो फ्रेंड, जब तक मेरे छोले उबल रहे हैं तब तक हम अब भटूरों का आटा लगा लेते हैं। उसके लिए चाहिए मुझे मैदा। मैंने 2 कप जितना मैदा लिया है। कप का मेजरमेंट कोई भी आप रख सकते हैं, आप कोई कटोरी ले सकते हैं। मैंने इस मेजरमेंट से लिया है 2 कप। और इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ी सी सूजी, 2 चम्मच जितनी सूजी ऐड करूंगी। इसमें सूजी ऐड करने से थोड़े से क्रिस्पी बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। 2 चम्मच जितनी मैंने इसमें सूजी ऐड कर दी है। 1 टीस्पून जितना मैंने नमक ऐड करा है। 1 टीस्पून जितना मैंने बेकिंग पाउडर यूज करा है। आप चाहे तो बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं, या फिर इनो यूज कर सकते हैं, या फिर आप सोडा वाटर से भी इसको गूंद सकते हैं। 1/2 टीस्पून जितनी मैं शुगर ऐड कर दूंगी। 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन लिया है, जिसको पाम पे इस तरीके से रब करके मैं ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून जितना ऑयल चाहिए। अभी 1 टेबल स्पून डाला है, बाद में और 1 स्पून जितना बाद में डालूंगी मैं। अब इसमें कर्ड ऐड करेंगे 4 to 5 स्पून जितना। अब इसको आपस में सबको मिला लेंगे और आटा डो रेडी करेंगे। जिस तरीके से हम परांठे का करते हैं ना, थोड़ा सा सख्त, उस तरीके से रेडी करेंगे। इसमें हल्का वार्म पानी से आप इसको आटे को गूंदेंगे, हल्का सा गर्म होना चाहिए कोसा, और इससे डो रेडी कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा आटा गूंद चुका है। इसको गूंदने में मेरा 1/3 जितना पानी लग चुका है। अब इसके ऊपर दोबारा से मैं 1 चम्मच जितना ऑयल ले लूंगी हाथ पे, और इसके ऊपर लगा देंगे हम, और अच्छे से इसको एक बार मल लेंगे। अब इसको एक में रख लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे इसमें, और इसके ऊपर मैं गीला कपड़ा एक ढक के इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूंगी ऐसे ही। तो फ्रेंड्स,
मेरे छोले उबल चुके हैं और उसकी विसल अभी खत्म हो गई है। और तब तक हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने रख दिया है कढ़ाई और उसमें डाल दिए 2 से 3 चम्मच जितना ऑयल, और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें डाल दूंगी 1/4 टीस्पून जितनी हींग, और उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जितना जीरा, और इसको अच्छे से मैं सॉटे कर लेंगे हम। अब इसमें डाल दूंगी मैं बारीक कटा हुआ प्याज है, जिसको मैंने चॉप कर लिया था, ग्राइंड नहीं करा मैंने, पेस्ट नहीं बनाना, चॉप करना है। तो बिग साइज का मेरा ऑनियन है, इसको हम ब्राउन कर लेंगे हल्का ब्राउन। अब इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको मैंने ब्राउन करना है। अगर आप गार्लिक और ऑनियन नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप खाली टमाटो और जिंजर का पेस्ट डाल सकते हैं। ऑनियन मेरे हो चुके हैं, इससे ज्यादा ब्राउन नहीं करूंगी क्योंकि फिर जले हुए की स्मेल आती है, तो इतना ही चाहिए मुझे। अब मैंने ले लिया 6 से 7 टमाटो, टमाटो की मैंने प्यूरी बना ली और उसमें मैंने 4 से 5 मैंने ग्रीन चिली भी ऐड कर दी थी, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून जितना रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून जितना धनिया पाउडर, इन सबको अच्छे से मैं मिला लूंगी। नमक मैंने ऐड नहीं करा है क्योंकि मैंने बॉईल करते समय ही मैंने छोलों में नमक डाल दिया था, तो हम बाद में टेस्ट कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी तो हम डालेंगे। इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी और इसको लेड लगा के कवर कर दूंगी जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो फ्रेंड 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑयल सेपरेट हो चुका है और इधर छोले भी मेरे उबल चुके हैं, स्टीम भी उसके निकल चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून जितना चना मसाला, ये मेरा कैच का चना मसाला है, बहुत ही टेस्टी चना मसाला है, बहुत अच्छा यमी है, अब मैं इसी को यूज करती हूँ और इसे 1 चम्मच जितना डालेंगे। अब डाल दूंगी इसमें 1 टीस्पून जितना गरम मसाला, ये भी मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला है, इन सबको अच्छे से मैं मिला लूंगी। कुकर का प्रेशर मेरा खत्म हो चुका है, ये भी चेक कर लेते हैं। छोले मेरे अच्छे से देखिए उबल चुके हैं, बहुत अच्छे से उबल गए हैं। ये मैं जो पोटली है इसको निकाल लूंगी और इस तरीके से एक चना लेके देखेंगे हम। ये देखिए बहुत अच्छा से उबल चुका है और मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे अपने चने, जो मेरे छोले उबले हुए हैं वो ऐड कर देंगे हम, और इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं लिड लगा के 10 मिनट के लिए इसको पका लेंगे हम। थोड़ी सी ग्रेवी पतली है तो थोड़ी सी थिक होने के लिए हम पका लेंगे, और सारे मसाले जो फ्लेवर भी है वो छोलों में आ जाना चाहिए। 10 मिनट के लिए इसको लिड लगा के कवर कर दूंगी मैं। अब हम मिर्च रेडी करेंगे, जो इसके साथ में मिर्च मिलती है, मिर्च का अचार सा, वो रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून जितना ऑयल और इसको गर्म होने दूंगी। तो फ्रेंड्स, ऑयल मेरा गर्म हो गया है, मैंने इस तरीके से ग्रीन चिली को मैंने 2 हिस्सों में बांट लिया है, काट लिया बीच में से, और इसको इसमें डाल देंगे ऑयल में। अब एड करूंगी इसमें थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर, वो बहुत ही टेस्टी लगता है, थोड़ा सा डालेंगे इसमें गरम मसाला, और इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच जितना पानी, मसाला इसमें लगा हुआ था तो मैंने इसी में ले लिया, और इसको लिड लगा के कवर कर दूंगी। थोड़ा सा इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे मिर्च को, 1 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। मिर्च मेरी सॉफ्ट हो गई है, गैस की फ्लेम कर दूंगी बंद, और मिर्च का अचार मेरा रेडी हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। मैं ले लूंगी वही वाला पैन, उसमें ऑयल है, अगर आपका ऑयल कम लगे तो आप 1 चम्मच जितना ऑयल डाल सकते हैं, ऑयल गरम भी है। तो इसमें डाल दूंगी मैं अपने मसाले, कुछ थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून जितना नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। इन सबको अच्छे से मैं मिला लूंगी और इसमें ऐड कर देंगे अपने पोटैटो, ये जो मैंने बॉईल करके इनको मैंने क्यूब में से किसे काट लिया था, और इसको ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद,
कर चुके हैं। तो फ्रेंड 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए काफी अच्छे से हो गए हैं, थिक हो गए हैं। अब इसके ऊपर डाल दूंगी मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून जितना अमचूर पाउडर। चाहे तो आप अनारदाना जो होता है पिसा हुआ वो भी डाल सकते हैं। और डालूंगी 1 टीस्पून जितना गरम मसाला। छोले हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम एक फाइनल तड़का। मैं ले लूंगी एक तड़का पैन और उसमें डाल दिया है मैंने 1 चम्मच जितना ऑयल, और ऑयल को गरम कर लेंगे पहले। ऑयल मेरा अच्छे से गरम हो गया है। अब इस पे हम डाल देंगे देगी मिर्च, ये कलर के लिए बहुत अच्छा कलर आता है। और इसको हम जला लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा फ्लेम से ऊपर रखेंगे ताकि हमारी मिर्च जो है वो जले ना। और डाल देंगे इसमें एक हरी मिर्च जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है बीच में से, और इसको भी अच्छे से हम इसमें सॉटे कर लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इस मसाले को हम छोलों के ऊपर डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ में, कसूरी मेथी के साथ में। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया हरा धनिया डालने के बाद। अब इसको लिड लगा के कवर कर दूंगी, जो मैंने इसमें ऊपर का तड़का लगाया है वो सारे फ्लेवर इसमें आ जाए ताकि। तो फ्रेंड्स 45 मिनट से अब हो चुके हैं, छोले भी हमारे बन चुके हैं। अब भटूरे देख लेते हैं। भटूरों इसका बैटर बहुत अच्छे से फूल गया है। अब इसको फिर से एक बार 5-7 मिनट के लिए मैं इसको मल लूंगी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया अपने हाथों पे और इसको इस तरीके से लगा के इसको हम सारे बैटर को बाहर निकाल लेंगे और प्लेटफॉर्म पे अच्छे से इसको हम मल लेंगे अच्छे से दोबारा से 5-7 मिनट तक हल्का सा हाथ पे लगा लूंगी मैदा और इसको अच्छे से हम ताकि मेरे हाथों पे चिपके ना। मैंने 5-7 मिनट इसको मल लिया है। अब इसको हम काट लेंगे, अलग कर लेंगे इसके। अब इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे। ये चपाती से बड़ा मतलब पेड़ा होता है, जैसे हम किसी स्टफ परांठे का बनाते हैं ना उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे अच्छे से। देखिए मैंने इसको बना लिया, इसकी लोई बना ली है। मैं इसको चकले बेलने पे करूंगी क्योंकि हमें तो इतनी हैबिट नहीं होती है कि हम लोग हाथ से इसको बढ़ा सके, तो मैं इसको चकले बेलने पे करूंगी। उसके लिए मैं चकला बेलने पर हल्का सा मैदा डस्ट कर लूंगी और इस तरीके से इसको पेड़े को थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर लूंगी, फैला लूंगी। और मैंने ऑयल भी अच्छे से गर्म होने रख दिया है। जैसा आप देना चाहे शेप इसकी दे सकते हैं, गोल ओवल जैसे भी। इसको थोड़ा सा थिक रखेंगे, परांठी से भी थोड़ा सा थिक रखेंगे और इक्वल बेलना होता है इसको। तो फ्रेंड्स ये मैं बेल चुकी हूँ। अब देख लेते हैं हम अपना ऑयल गर्म हुआ है या नहीं, ऑयल चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा इस पे डालूंगी मैदा, देखते हैं अगर ये ऊपर आ गया फुल देख के, इसका मतलब ऑयल मेरा बिल्कुल गर्म हो चुका है। देखिए बिल्कुल ऊपर आ चुका है। हमें भटूरों के लिए हमेशा ऑयल तेज गर्म चाहिए होता है। अब इसमें डाल देंगे हम अपने भटूरे, बहुत सेफली डालेंगे और इस तरीके से इसको दबाते हुए हल्का सा सेक लेंगे। जितना आपकी कढ़ाई का स्पेस हो उतने साइज के आप बनाएं। अब इसको पलट देंगे, ये देखिए काफी अच्छा मेरा फूल गया है। सेकंड भी इसी तरीके से मैं तल लूंगी। ये देखिए ये भी कितना अच्छे से मेरा फूल गया है। फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे। अब
तो गाइस रेडी है मेरे हल्दीराम के छोले भटूरे, बहुत ही यमी बने हैं, बिल्कुल मेरे उसी स्टाइल में बने हैं, क्योंकि ये रेसिपी मैंने हल्दीराम के किसी कारीगर से ही सीखी हुई है। बहुत ही टेस्टी बने हैं। इसके साथ मैंने सर्व किए हैं आलू, तो मिर्च का अचार, और मैंने ये प्याज वाली चटनी, ये बहुत ही फेमस चटनी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही टेस्टी बनती है, ये अमृतसर में सर्व की जाती है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो साथ में लगा बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।